जय माता दी दोस्तों, जैसे कि आज नवरात्रि का 9वां दिवस है, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग रुके हुए हैं मलाजखंड में और एक यहाँ पर गेस्ट हाउस है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग सोए हुए थे और अभी सोकर के उठे हैं। मैंने बोला चलो व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग की शुरुआत एक प्रैंक से करते हैं। अपने को करना क्या है, ये साइड वाले G2 में जो है दीदी लोग रुकी हुई हैं और हम लोग इनके साथ प्रैंक करने वाले, ये थोड़ी डरी हुई हैं, कमरे की घंटी बजा करके बाहर भाग जाएंगे, है ना। और मैं अपना जो कैमरा है वो सेट कर देता हूँ और उनका रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे। रेडी है उदेश भाई? रेडी रेडी ना, डन कर दो इधर, रुको। A few moments later. 1 hour later. So, रुको जरा, सबर करो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे कोई दरवाजे नहीं खोल रहा है, पैंटी पहन रहा है। अरे भैया वो क्या लगा हुआ है? हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं गोंदिया के लिए, तो चलिए मिलते हैं। जय कारा शेरो वाली दा बोल साचे दरबार की जय। राइट गाइस, जैसे कि हम लोग पहुंच चुके हैं गोंदिया और यहाँ पर हो रहा है भंडारा, माता रानी का विशाल भंडारा देख सकते हो आप। और यहाँ पर हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। क्यों? अच्छा, भंडारे में जो थे चना है, दाल है, चावल है, पूड़ी थी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गोंदिया के गेस्ट हाउस में, यहाँ पर हमें 4 कमरे मिले हुए हैं। चलिए आपको जल्दी से एक टूर दे देता हूँ। और आज का हमारा आउटफिट कुछ इस तरह का है, ये देखिए। आज हमारी ग्रे कलर की शर्ट है एंड ब्लैक कलर का पैंट। ये रूम दीदी लोगों का है, इधर से चलते एक रूम ये है। चलो हमारा रूम दिखाते हैं आपको, ये वाला है आई थिंक। ये है हमारा रूम, यहाँ पर लगा हुआ है बेड और इधर हमारे पड़े हुए हैं सामान। ये है कूलर, इधर है लाइट बाथ, बहुत बड़ी लाइट बाथ है भैया, ये देखो बहुत बड़ी है। चलो हो गया आज का टूर, सामने देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बालकनी है यार यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारे गंतव्य स्थान की तरफ, जहाँ पर हमारा देवी जागरण होने जा रहा है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ जवारे निकल रही है। तो अभी हम बैठे हुए हैं टी बक्स कैफे में और यहाँ पर कॉफ़ी और चाय भी लेते हैं। तब तक हमारे सर हम आपको कुछ जानकारी देंगे। अभी हम लोग गोंदिया मामा चौक पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही देर के पश्चात मैया रानी का बहुत विचारा प्रारंभ होने वाला है और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर होने जा रहा है माता जी का भव्य नवरात्रि जागरण। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है पंडाल लग चुका है और सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेट हो चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है माता जी की, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर राजपूत सर बैठे हुए हैं और बाकी सभी कलाकार लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेट कर रहे हैं। आपको मैं माता जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर बैठी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, कितनी सुंदर प्रतिमा विराजमान है, मन्नत वाली माता जी हैं ये, आप देखिए। और जो बैकग्राउंड है भाई, लोकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त है यार। आयो आयो नवरात्रि त्योहार, क्या करना है फिर ताले, फिर ताले, ताले Thank you.
अभी हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाने में भट्टे की सब्जी है, दाल है, चावल है, पराठे हैं और पापड़ है। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने गेस्ट हाउस में, और ये था यार आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थक गए हैं।